संत रविदास जयंती के अवसर पर आज जागरूक अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका व मध्य प्रदेश में विधान परिषद का गठन के बारे में एक सेमिनार का आयोजन गुरु कृपा होटल छत्तीसगढ़ में किया गया। इस अवसर पर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण डॉ. दीपक पांडे, वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी डॉ. केशव पांडे, विजयन सिंह जाधव लालजी, पूर्व सभापति नगर निगम ग्वालियर अमर सिंह माहौर, कार्यकारी जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी ग्वालियर डॉ. प्रवीण अग्रवाल, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स सुधीर गुप्ता, भूतपूर्व नेता प्रतिपक्ष नगर निगम ग्वालियर श्याम सुंदर यादव, पूर्व MLC सदस्य उत्तर प्रदेश जिलाध्यक्ष अजय कुमार शर्मा, जगमोहन गुप्ता, अमित उपमन्यु, जागरूक अधिकारी कर्मचारी संघ के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। खबर हरपल के लिए राजकुमार शर्मा की खबर। मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा मध्य प्रदेश में विधान परिषद के गठन की आवश्यकता एवं राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जो जिसमें जो है मुख्य अतिथि के तौर पर मुन्नालाल गोयल और डॉक्टर दीपक पांडे संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग, अध्यक्षता जो है मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल एवं केशव पांडे जी ने की। बहुत सारे लोग उपस्थित हुए, वक्ताओं ने अपने विचार रखे, सभी की एक ही राय थी कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद का गठन होना चाहिए और हमारी भी यही डिमांड कर्मचारी संगठन की ओर से रखने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि विधान परिषद वाले राज्यों में कर्मचारियों के हित अधिक सुरक्षित रहते हैं, इसलिए हमने इस मांग को जो है कर्मचारी संगठन से उठाना शुरू किया और हमें उम्मीद है जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है कि एक न एक दिन हम अपने उद्देश्य में कामयाब होंगे। बस